वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम सुमन शर्मा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के साकीनाका इलाके में रेत की सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक टेम्पो के अंदर 34 साल एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। इसके बाद दरिंदगी करने वाले ने महिला के प्राइवेट पार्ट में निर्दयता से रॉड से हमला कर दिया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। साकीनाका की यह घटना देश की राजधानी दिल्ली में 2012 के निर्भया कांड की याद दिलाती है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी मोहन चौहान 45 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार तड़के पुलिस कंट्रोल रूम को फोन आया कि खैरानी रोड पर एक व्यक्ति एक महिला की पिटाई कर रहा है। अधिकारी ने बताया कि महिला का पता लगाने के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। खून से लथपथ महिला को नगर निगम संचालित राजवाड़ी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की छड़ से हमला किया गया। उन्होंने बताया कि यह घटना सड़क किनारे खड़े एक टेम्पो के अंदर हुई है। अधिकारी ने बताया कि वाहन के अंदर भी खून के धब्बे मिले हैं। डॉक्टरों के मुताबिक महिला की हालत गंभीर है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ सुरागों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी चौहान को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास और 376 बलात्कार के तहत गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच जारी है। निर्भया कांड जैसी वारदात दिसंबर 2000 में एक युवती जिसे बाद में निर्भया कहा गया के साथ दिल्ली में चलती बस के अंदर निर्दयता से सामूहिक बलात्कार और हमला किया गया। इससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। कई दिनों तक जिंदगी के संघर्ष के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।